नमस्कार दोस्तों, गाइड अप मैन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों, आज की वीडियो फिर से शुरू हो रही है एक्सेल के नए टॉपिक पर। एक्सेल के 5.7 असाइनमेंट हमने कर लिए थे, अब हम बात करेंगे 5.8 असाइनमेंट की। और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली यहां पर जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। इसके लिए हमारे पास हैं चार डेटाबेस के क्वेश्चन। तो चलिए इन चार डेटाबेस के क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बोला गया है कि हाईलाइट करना है क्वांटिटी जो कि 50 से ज्यादा है और उसे येलो फिल से हाईलाइट करना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्वांटिटीज को एक बार पूरे की पूरी सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल बैक स्पेस के साथ पूरा का पूरा क्वांटिटी कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाने के बाद हाईलाइट पर जाइए और ग्रेटर देन जाइए। अब ग्रेटर देन में आप लोगों को क्या बोला था, सिंपली अगर आप देखें तो यहां पर आपको बोला गया था कि ग्रेटर देन में आप 50 से ज्यादा, सिंपल, तो 50 से ज्यादा क्वांटिटी को आप हाईलाइट कर दीजिए। तो 50 से ज्यादा जो भी क्वांटिटी है उसे हाईलाइट कर दीजिए, कौन से फिल से, दैट इज विद द येलो फिल। तो यहां से मैंने येलो फिल ले लिया है और ओके प्रेस कर दिया। ये लीजिए, ओके डन, क्लियर है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मैं एक काम करता हूं, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं इस शीट पर ले आता हूं जिससे कि करना बहुत ज्यादा इजी रह जाएगा। चलिए अब ये आ गए हमारे पास क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में चलिए चेक करते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोगों को हाईलाइट करना है फ्रूट के नाम हाईलाइट करने हैं जो कि पी से स्टार्ट हो रहे हो और उसे हाईलाइट करना है ग्रीन फिल विद बोल्ड टेक्स्ट। ओके, चलिए बात करते हैं। तो फ्रूट के नाम हमने सिलेक्ट कर लिए हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल बैक स्पेस एंड देन उसके बाद जाएंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर हाईलाइट में। और हाईलाइट में आप लोगों को जो स्टार्ट हो रहे हो तो यहां मोर रूल पर जाइए और यहां पर सेल वैल्यू की जगह स्पेसिफिक टेक्स्ट लीजिए। उसके बाद कंटेनिंग की जगह बिगिन विद का ऑप्शन लीजिए और यहां पर आप बता दीजिए स्टार्ट विद किस से, पी से। अगर पी लेटर से स्टार्ट हो तो आपको ग्रीन फिल, लाइट ग्रीन फिल और बोल्ड टेक्स्ट लेना है। चलिए देखते हैं, लाइट ग्रीन फिल लेने के लिए आप लोग को यहां पर जाना होगा और ये लीजिए लाइट ग्रीन फिल और फॉन्ट में जाकर बोल्ड ले लीजिए। सिंपल, ओके प्रेस करिए और ओके प्रेस करिए, ये लीजिए आप लोग का सिंपल कंटेंट हो गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और इसमें अब आपको करना है यहां पर एक नया कॉलम क्रिएट जिसका नाम है अमाउंट। और अमाउंट कॉलम क्रिएट करने के लिए सिंपल आप लोग को यहां पर लिखना होगा अमाउंट और अमाउंट लिखने के बाद आप यहां पर फॉर्मूला लगा दीजिए क्वांटिटी इंटू रेट, ये लीजिए हो गया, बहुत सिंपल तरीके से हो गया ना। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगले पॉइंट में आप लोग को हाईलाइट करना है टॉप 5 अमाउंट विद लाइट येलो फिल विद बोल्ड रेड फॉन्ट। ओके, आप लोग इसे सिलेक्ट करिए, मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप जाइए होम पर और यहां पर जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम रूल्स जिसमें आप लोग को टॉप 10 पर क्लिक करना है। और यहां पर टॉप 10 नहीं करना है, आप लोग को 5 पर क्लिक करना है। और आप लोगों को हाईलाइट किससे करना था, लाइट येलो फिल करना है। तो यहां पे कस्टम फॉर्मेट पे जाइए और फिल में या आप येलो ले लीजिए और फॉन्ट में जाकर आप रेड ले लीजिए। कलर यहां पर आपको लेना है रेड और बोल्ड लेना है, तो यहां से बोल्ड कर दीजिए और ओके प्रेस करिए एंड नाउ ओके। आप देख सकते हैं जितने भी 5 टॉप 5 जो भी होंगे वो आपके हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये देखिए आप लोग के हाईलाइट हो रहे हैं इस रेंज में, ठीक है। तो ये था बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और इससे आपने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है डेटाबेस 2। तो अब चलते हैं डेटाबेस 2 को और इसको सॉल्व करने के लिए हम आ जाते हैं डेटाबेस 2 पर। चलिए यहां पर हम क्वेश्चन पेश कर लेते हैं। और सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें हाईलाइट करना है जोन्स को विद ब्लैक, वेयर ब्लैंक इज ओकर। ओके, आप लोग को उस जोन को हाईलाइट करना है जहां पर ब्लैंक आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर काफी बार ब्लैंक आ रहा है तो आप लोग को इसमें ब्लैंक वाले एरिया को क्या करना है, ब्लैक से हाईलाइट करना है। चलिए कर देते हैं। तो इसके लिए आपको होम पे जाना होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना होगा, हाईलाइट सेल रूल पे जाना होगा और मोर रूल पर जाना होगा। यहां पर आप जाने के बाद यहां ले लीजिए ब्लैंक और ब्लैंक में लेने के बाद यहां पर लीजिए फिल में जाकर कलर ब्लैक और ओके प्रेस कर दीजिए, ओके प्रेस कर दीजिए, ये लीजिए हो गया, बहुत सिंपल था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आप लोगों को अमाउंट कॉलम बनाना होगा, तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से अमाउंट कॉलम। अमाउंट कॉलम हमने बना लिया है और इसके लिए फॉर्मूला हम लगा देते हैं क्वांटिटी इनटू रेट, हो गया। तो इसके बाद ट्रैक कर दीजिए और ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है कि क्वांटिटी कॉलम के अंदर आपको रेड क्रॉस आइकन लगाना है, वो भी 40 से बिलो, ठीक है। तो चलिए क्वांटिटी कॉलम को पूरा का पूरा सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप लोगों को रेड क्रॉस आइकन लगाना है। तो आप जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर
और यहां पर आइकन सेट में अगर आप यहां से कोई भी आइकन लेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर सारे के सारे आइकन्स ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं सिर्फ रेड क्रॉस आइकन, तो यहां पर जाइए मोर रूल। मोर रूल पर जाने के बाद आप लोग को सबसे पहले एक काम करना है, यहां पर नंबर कर देना है, और उसके बाद आप लोग को 40 बोला गया, 40 से बिलो तो आप ऊपर वाले सेल में हमेशा बड़ी वैल्यू लिखेंगे, नीचे वाले सेल में छोटी वैल्यू लिखेंगे। तो इस सेल में, इस क्वेश्चन के अंदर अगर बात करें तो 40 बड़ी वैल्यू है और 0 आपकी छोटी वैल्यू है। ओके, अब यहां देखिए मैंने यहां पर ले लिया है नो सेल आइकन, और अब आपको करना क्या है, सिंपली लाइन को रीड करना है। तो आप देखिए आप लोगों को बोला गया था रेड क्रॉस आइकन लगाना है, वो भी बिलो 40 पर। तो आप देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा है नो सेल आइकन व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40। ओके, आप लोगों को बिलो पर लगाना है, तो बेसिकली ये रहा वो सेक्शन नो सेल आइकन व्हेन वैल्यू इज लेस देन 40 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहां पर आपको आइकन पुट करना है क्योंकि यही वो जगह है जो आपके क्वेश्चन से फिट बैठ रही है। ओके, प्रेस करते हैं और ये देखिए रेड क्रॉस आइकन लग गया है जिसमें 40 से नीचे क्वांटिटी है। गॉट इट। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, आप लोगों को बोला गया है प्राइस कॉलम के ऊपर। प्राइस कॉलम में आप लोगों को 50 से ज्यादा प्राइजेस पर क्या लगाना है, ग्रीन फ्लैग लगाना है। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं, यहां सेलेक्ट कर लिया आपने, होम टैब में जाइए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद यहां पर जाना है आपको आइकन सेट, और यहां पर मोर रूल पर चले जाइए, सेम वही काम करना है, यहां पर नंबर हटा दीजिए, और सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऊपर वाले सेल में आप लोग बड़ी वैल्यू लिखेंगे, नीचे वाले सेल में आप छोटी वैल्यू लिखेंगे। गॉट इट। उसके बाद आप लोग यहां पर नो सेल आइकन ले लीजिए, और उसके बाद आपको रीड करना है अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, और यहां पर प्राइस कॉलम में बोला गया है ग्रीन फ्लैग लगाना है, वो भी अबव 50 पर। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं, अगर आप पहली लाइन चेक करें तो पहली लाइन में आप लोगों को सिंपली मिल जाएगा नो सेल आइकन व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन 50। तो ये एक्चुअली में यहीं पर आपको आइकन लगाना है, तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे, वैल्यूज ग्रेटर देन 50 पर आइकन लगा देंगे। तो चलिए यहां पे लगा देते हैं सिंपल, तो इस लाइन में आपका आइकन लग जाएगा, और अगर नेक्स्ट लाइन में बात करें तो कोई आइकन नहीं लगेगा। तो ओके प्रेस करते हैं और ये लीजिए, हो गया सिंपल। चलिए दोस्तों बात करते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है कि अमाउंट वाले कॉलम के ऊपर अगर आप चेक करें, अमाउंट वाले कॉलम के ऊपर 5000 रुपए पे ग्रीन ट्रैफिक लाइट, 5 से 3000 रुपए के बीच में आप लगाएंगे येलो, और अगर 3000 से बिलो हो जाए तो रेड। ओके, चलिए बात करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं होम पर, और यहां पर चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आइकन सेट और मोर रूल। अब यहां पर आपको नंबर लेना है, सिंपल। नंबर लेने के बाद आप लोगों को दो वैल्यूज यहां पर गिवन है, एक 5000 रुपए की और दूसरी आपको 3000 रुपए की गिवन है। तो 5000 और 3000 वैल्यू आपने यहां पर ले ली है, उसके बाद आपको करना है यहां पर ग्रीन ट्रैफिक लाइट लगा दीजिए, उसके बाद यहां पर येलो ट्रैफिक लाइट और यहां पर रेड ट्रैफिक लाइट। और अगर आप अपना क्वेश्चन रीड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर पाएंगे कि ग्रीन ट्रैफिक लाइट व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन 5000 सिंपल, और 5000 से अगर 3000 के बीच में है तो आपकी येलो, और अगर 3000 से नीचे है तो रेड। हो गया, गॉट इट। ओके प्रेस करते हैं और ये लीजिए आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से हो चुका है। गॉट इट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला डेटाबेस सॉल्व करते हैं। ये लीजिए हमारा अगला डेटाबेस, इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने है। तो अगले डेटाबेस पर आ जाते हैं और यहां पर हम अपना क्वेश्चन जो है पेस्ट कर लेते हैं। तो ये थे सारे के सारे क्वेश्चन हमारे लिए अगले डेटाबेस पर, इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले आप लोग को फिल आउट करना है प्राइस डेटा को, प्राइस ऑफ द डेटा। ये लीजिए प्राइस फिल करने के लिए आप लोग को यहां पर देखिए डेटा दे रखा है, और यहां पर आप लोगों को प्राइस फिल करना है। अगर आप फिल करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रूट, तो आपको यहां पर एक फॉर्मूला लगाना होगा, दैट्स कॉल्ड द वी लुकअप, और आप वी लुकअप फॉर्मूले की मदद से अपने प्राइजेस को फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार वी लुकअप की मदद से प्राइजेस को यहां पर फिल कर लेता हूं। तो ये लीजिए मैंने वी लुकअप की मदद से प्राइजेस को यहां पर टैग कर लिया है। ये लीजिए यहां पर इस रेंज को सिलेक्ट किया, F4 से इस रेंज को फ्रीज किया, कॉमा सेकेंड कॉमा 0, एंटर प्रेस किया, और ये लीजिए मेरे प्राइजेस मेरे सामने आ चुके हैं। गॉट इट। अच्छा, अब बात करते हैं, हमने एक नया कॉलम बनाना है जिसका नाम है अमाउंट। तो यहां पर हम अमाउंट नाम का एक नया कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम यहां पर क्वांटिटी इनटू रेट का फॉर्मूला लगा देते हैं, और ये लीजिए हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि हाईलाइट करिए उस सेल्समैन को जिसकी क्वांटिटी मोर देन हो 65। और दोस्तों अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं सेल्समैन को ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी, तो आप लोग को यहां पर एक फॉर्मूला लगाना होगा, इक्वल्स टू क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी अगर आपकी 65 से ज्यादा है, तो आपकी क्वांटिटी अगर 65 से ज्यादा है तो आप लोगों को क्या करना है, हाईलाइट करना है। और यहां देखिए जैसे ही आप ये करेंगे आपका आंसर ट्रू या फॉल्स में आ जाएगा।
तो जहां पे भी आंसर ट्रू आएगा वहां पर हाईलाइट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब हम चलते हैं यहां पर सेल्समैन को सिलेक्ट करेंगे और हम लोगों को यहां पर ग्रीन फिल करना है, लाइट ग्रीन फिल। तो चलिए होम पर जाइए और यहां पर कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज अ फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे और आपको फॉर्मेट पर जाके ग्रीन फिल ले लेना है, लाइट ग्रीन फिल। ओके एंड नाउ ओके, ये लीजिए। अब ये वाला जो सेक्शन आपने बनाया था इसे आप डिलीट कर दीजिए। गॉट इट। इस सेक्शन का सिर्फ इतना सा यूज है, ये फॉर्मूले के आप लोगों को रियल मीनिंग दिखाता है। अगर आपका फॉर्मूला गलत है तो आपको पता चल जाएगा और अगर सही है तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं यहां पर। यहां पर आप लोगों को बोला गया है हाईलाइट करना है डेट को ऑन द बेसिस ऑफ द जोन और फ्रूट। जी हां, आप लोगों को दो अलग अलग कॉलम के बेसिस पर डेट को हाईलाइट करना है। तो यहां पर एक कंडीशन नहीं है, दो कंडीशन है, इसलिए आप लोगों को यहां पर एंड फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा और आप लोगों को बताना होगा कि जो आपका फ्रूट है, जो फ्रूट है वो आपका पीच होना चाहिए, ठीक है, और कॉमा दूसरा आप लोगों का जो जोन है, जोन यानी कि ये बी टू सेल, वो आपका क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए नॉर्थ। तो बी टू सेल जो है आप लोगों का नॉर्थ होना चाहिए। एंटर प्रेस करेंगे और आप यहां पे ड्रैग करेंगे तो देखिए जैसे ही आपने किया आप लोगों का आंसर आ रहा है जिसमें ट्रू मिल रहा है आप लोगों को। जहां जहां ट्रू मिलेगा वहां वहां वो हाईलाइट कर देगा। तो बेसिकली अब इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करके इसे फिल कर देते हैं। कोई भी कलर ले सकते हैं, वैसे तो मैंने अभी कलर नहीं बताया है, तो आप यहां पे कोई भी कलर ले लीजिए। न्यू रूल पे जाइए, यूज अ फॉर्मूला एंड नाउ पेस्ट इट। उसके बाद फॉर्मेट पे जाके कोई भी कलर आप जो पसंद करते हैं वो ले लीजिए यहां से। उसके बाद ओके प्रेस करिए, ये लीजिए, हो गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहां पर एक और फॉर्मूला आप लोग को इस्तेमाल करना होगा और यह है कि अगर आप लोग सैटरडे और संडे को हाईलाइट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, वो भी रेड फॉन्ट से। चलिए देखते हैं कैसे। इज इक्वल टू आप लोग लगाएंगे यहां पर फॉर्मूला दैट इज वीकडे और वीकडे में आप लोग डेट ले लेंगे और डेट लेने के बाद आप लोग यहां पर सैटरडे संडे को हाईलाइट करना चाहते हैं तो पहले तो टू लिखिए, उसके बाद सैटरडे संडे के लिए आप यहां पे लिखिए ग्रेटर देन फाइव, क्योंकि ग्रेटर देन फाइव इज सिक्स एंड सेवन। तो अगर सिक्स एंड सेवन को आपको हाईलाइट करना है तो आपको ग्रेटर देन फाइव यानी छठा और सातवां दिन, हफ्ते का छठा और सातवां दिन लेना होगा। तो यहां पर आप लोग इसे सिलेक्ट कर लीजिए। इस फॉर्मूले को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को करना सिंपली काम है कॉपी। उसके बाद आप लोगों को जोन को हाईलाइट करना है तो जोन वाले कॉलम को आप सिलेक्ट करिए, उसके बाद जाइए होम पर, उसके बाद यहां पर जाइए कंडीशन फॉर्मेटिंग एंड न्यू रूल, यूज अ फॉर्मूला एंड नाउ पेस्ट द फॉर्मूला। उसके बाद फॉर्मेट पर जाके कोई भी कलर ले सकते हैं, वैसे इसमें फॉन्ट बोला है रेड तो आप रेड फॉन्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोल्ड कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। ओके प्रेस करते हैं और ये लीजिए, जहां जहां पे भी ट्रू आ रहा है वहां वहां पे भी रेड फॉन्ट हो चुका है। गॉट इट। चलिए ये हमने हटा दिया, काम खत्म होने के बाद इस कॉलम को रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की जो कि है डेटाबेस फोर। इसे कॉपी करते हैं और चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। डेटाबेस फोर पर यह क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहां पर सिर्फ एक ही पॉइंट है, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक लाइन आप लोगों से एक्स्ट्रा बोली गई है और यह बोली गई है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हाईलाइट करना है पूरी की पूरी रो। लेकिन रो हाईलाइट कैसे करनी है, उन्होंने यह बोला है कि रो हाईलाइट करनी है जिसमें आप लोग का प्रोडक्ट का नाम मिल्क चॉकलेट होगा, साथ में आप लोगों की क्वांटिटी जो है सात से ज्यादा होगी। तो यहां पर आप लोग समझ तो गए होंगे कि एंड फंक्शन का इस्तेमाल होगा, कि आप लोग का जो प्रोडक्ट है वो कौन सा होना चाहिए, वो मिल्क चॉकलेट होना चाहिए। तो मैंने यहां पे लिख दिया है मिल्क चॉकलेट, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग को एक और कंडीशन पूरी करनी है और वो है क्वांटिटी आपकी 60 से ज्यादा होनी चाहिए। गॉट इट। अगर आप ये करते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाता है। लेकिन दोस्तों अब आपको यहां पर करना क्या है, पूरी की पूरी रो हाईलाइट करनी है, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक यूज करना होगा। यहां पर आपको आने के बाद F4 प्रेस करना होगा और सिर्फ कॉलम को फ्रीज करना होगा, कॉलम को फ्रीज करना होगा। ये देखिए मैंने कॉलम को फ्रीज कर दिया है एंड देन एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद आपको यही फॉर्मूला कॉपी करके पेस्ट करना होगा। तो चलिए इस फॉर्मूले को मैं कॉपी कर लेता हूं और उसके बाद इस पूरी की पूरी रो को यहां से यहां तक सिलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करिए, कंट्रोल बैक स्पेस एंड देन होम में जाइए। उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज अ फॉर्मूला एंड नाउ पेस्ट इट। और कलर जो भी आपको लगाना है वो लगा सकते हैं, जैसे फॉर्मेट पे जाके मैं कोई भी कलर यहां से ले लेता हूं, येलो कलर ले लिया, ओके प्रेस किया एंड नाउ ओके प्रेस किया, ये लीजिए, हो गया ना, बहुत सिंपल तरीके से। तो जैसे भी
अगर आपका मिल्क चॉकलेट आपको मिलेगा, साथ में आपकी क्वांटिटी अगर 60 से ज्यादा मिलेगी तो वो हाईलाइट कर देगा। तो ये था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जिससे कि आप लोगों का ये असाइनमेंट भी पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए सारे के सारे समझ में आ चुके होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।